नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी व्यास से मैं आर पी व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 302 यानी कि RCC के अंदर चैप्टर 5 जो है उसमें कॉलम की तैयारी करनी है। ये चैप्टर 5 जो है कंप्रेसर मेंबर्स है, इसमें एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। उसमें था कि अपन किसी शॉर्ट कॉलम की जो स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव लोड लेने की, अल्टीमेट कंप्रेसिव लोड उसको कैसे निकालते हैं PU। उसके बाद आज इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूँ डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स की। लेकिन अपन डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स करें उसके पहले डिटेल में हर चीज़ को समझना ज़रूरी है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं। तो एक बार अपन शॉर्ट में इनको देख लेते हैं तो ठीक रहेगा। कोड के अंदर इसका प्रोविज़न जो है क्या है, किस पेज पर है, क्रॉस कौन से हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है LE। E स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव, L स्मॉल है, E सफिक्स लगा है LE, इसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। अब कॉलम की इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या, तो साफ साफ लिखा मैंने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट्स। कॉलम के जिन दो जगहों पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उनके बीच की जो दूरी होती है उसको अपन इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। स्मॉल एल एक्चुअल लेंथ, इसको अनसपोर्टेड लेंथ भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटीज ऑफ एंड कनेक्शंस, कॉलम के जो दो एंड्स होते हैं ना उनके कनेक्शंस होंगे, जॉइंट होंगे, उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज होती है उनके बीच की दूरी होती है, या सिंपली कह सकते हैं इट इज क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स। और अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो दो लेंथ मैंने बताई आपको, इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ, इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो देखिए आपको ये जो 25.2 क्लॉज है पेज 42 पर, इस पे आपको इसके बारे में मिलेगा पेज 94 पर। देखिए इसमें पहले 25.2 पेज 42 का है, तो अपन पेज 42 निकालते हैं। पच्चीस पॉइंट दो देखिएगा, ये रहा 25.2 पेज 42, ये रहा पेज 42। एक्चुअली आप लोगों को RCC का जो कोड देखने की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, और ये अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में आपके जिनके आंसर आपको इस कोड में मिल जाएंगे, आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी आंसर आपको कोड में मिल जाएंगे। यहाँ जैसे 25.2 आप देख रहे हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ मोर एग्जैक्ट एनालिसिस द इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव ऑफ कॉलम मे बी ऑब्टेंड एज डिस्क्राइब इन एनेक्सर ई। यानी अब आपको एनेक्सर ई भी जाना पड़ेगा इसके लिए, और एनेक्सर ई जो है उसमें क्लॉज है E3 और पेज है 94। तो पेज है 94, तो 94 पेज पे आपको देखो ये इतने सारे मिलेंगे, ये दो पेज है ना, पेज 94। तो पेज 94 पर देखिए आपको खूब सारे जो मैंने रेड मार्क रखे ना, फिलहाल ये चार ही आपके ज़्यादा काम के हैं, ये पहला दूसरा तीसरा और एक ये चौथा, ये चारों काम के, इसके बारे में आपको डिटेल में मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पहला केस है जिसमें इफेक्टिव लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर है, ये कब होता है, बोथ एंड्स हिंज्ड, यानी कि कॉलम के दोनों किनारे जो हैं, दोनों जो सिरे हैं एंड्स हैं वो हिंज्ड है, यानी कि कीलित है या कब्जेदार है। अब हिंज का मतलब क्या, अभी बताता हूँ आपको इस बारे में, एक बार पढ़ लेते हैं। अगला केस एल इफेक्टिव इक्वल टू 0.65 L, ये आपको क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाएंगे।
ये आपको लिखना है एग्ज़ाम में जो मैंने लिखा है, और आपको अगर नंबर अच्छे चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, बहुत अच्छे चाहिए, तो आपको जो भी लिखते हो ना उसके आगे लिखना चाहिए कि ये कहाँ पे है कोड के अंदर। जैसे मैं लिखा ना क्लॉज 25 पॉइंट, ये लिखा ना पेज 94 पे अपेंडिक्स E3 क्लॉज E3, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, तब नंबर बहुत शानदार मिलते हैं। एक तो क्या काम सही किया आपने, हो सकता है आपको नंबर 80% मिल जाए, 75% मिल जाए, और एक आपने सही तो किया और साथ साथ में जो क्लॉज कौन से हैं किस पेज नंबर पर ये भी मेंशन किया, तो आपको मार्क्स 100% तक मिल सकते हैं, ये आपको मेरा कहना है। तो 0.65 वैल्यू होता है जब बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अब हिंज्ड और फिक्स्ड होते हैं, इसको समझ लो क्या मतलब इनका, हिंज्ड का और क्या मतलब है फिक्स्ड का। देखिए हिंज में क्या होता है कि कॉलम के जो एंड्स होते हैं ना वो अपनी मतलब पोजीशन में रेस्टेंट होते हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, लेकिन डायरेक्शन में रेस्टेंट नहीं होते हैं, यानी वो स्थिति से तो अवरुद्ध होते हैं लेकिन दिशा में अवरुद्ध नहीं होते। जो दो एंड्स है वहाँ पे वो घूम सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, उसे अपन कहते हैं हिंज्ड। और फिक्स्ड में क्या होता है कि पोजीशन और डायरेक्शन दोनों से ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, दोनों से अवरुद्ध होते हैं, ना तो वो एंड अपनी जगह छोड़ सकते हैं ना अपनी जगह पर घूम सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसको अपन फिक्स्ड कहते हैं। तो देखिए मैं लिखा है यहाँ पे फिक्स्ड एंड का मतलब रेस्ट्रेंड इन पोजीशन एज वेल एज इन डायरेक्शन, हिंज का मतलब रेस्ट्रेंड इन पोजीशन बट नॉट इन डायरेक्शन, पोजीशन में रेस्ट्रेंड है पर डायरेक्शन में नहीं है, ये चीज़ मैंने कही आपसे। और तीसरा केस है एल इफेक्टिव इक्वल टू 0.80 × L, इसमें वन एंड फिक्स्ड होता है और अदर एंड उसका हिंज्ड होता है। देखिए पहले में दोनों हिंज्ड, दूसरे में दोनों फिक्स्ड, तीसरे में एक हिंज्ड और एक फिक्स्ड, और हिंज्ड और फिक्स्ड का मतलब मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये सब यह लिखा हुआ। और चौथा केस है एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 × L, यानी कि इफेक्ट लेंथ इज इक्वल टू 2 × एक्चुअल लेंथ, इसमें वन एंड तो फिक्स्ड होता है बॉटम वाला और अदर एंड हिंज फ्री होता है इसके अंदर, बिल्कुल जैसे बिजली का खंभा नहीं होता है क्या, नीचे से फिक्स होता है ऊपर से फ्री होता है, उसमें जो इफेक्ट लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ की दुगनी होती है। अब फ्री एंड का मतलब क्या, रेस्ट्रेंड नाइदर इन पोजिशन नॉर इन डायरेक्शन, ये मतलब फ्री का, यानी ना तो उसकी पोजीशन फिक्स है ना उसकी डायरेक्शन फिक्स है, उसको अपन कहते हैं फ्री एंड है। तो ये आपको मैंने कुछ बताने की कोशिश की है अभी तक, एक्चुअल लेंथ क्या होती है, इफेक्ट लेंथ क्या होती है, इनका आपस का संबंध क्या होता है। अब दूसरा जो पॉइंट है हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, न्यूनतम पार्श्विक माप। देखिए इसको अपन स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मॉल बी क्या होता है ज़रा समझ लें आप, व्हाट इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन। कॉलम जो है नॉर्मली तीन प्रकार के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, यानी कि वर्गाकार, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार। अब वर्गाकार में तो चारों साइड बराबर होती है, तो कोई सी भी साइड का तो वो लिस्ट ही है, तो उसकी जो स्क्वायर कॉलम में जो उसकी साइड होती है वही उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है। अगर बात करें आयताकार की, तो आयताकार में जो है एक भुजा बड़ी होती है, एक छोटी होती है, जैसे मान लीजिए 3 m/2 m, तो छोटी कौन सी हुई, 2 m, ये हो गया लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी कि आयताकार कॉलम में जो छोटी भुजा होती है उसको लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहते हैं, यानी कि न्यूनतम पार्श्विक माप कहते हैं। और जो वृत्त है यानी कि सर्कुलर कॉलम है उसमें जिसको डायमीटर होता है वही लीस्ट है, और वही बाद में जो 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 अपना बड़ा डायमेंशन है वही बाद में बात करूँगा इसकी मैं, लेकिन अभी लीस्ट की बात चल रही है ना, तो वही लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। तो क्या हो गया इसके अंदर, ये आपको मैंने
अगले पेज में समझाऊंगा। अभी ये कुछ बातें और समझा नहीं है, दो मिनट रुके, इसके बाद समझाएंगे इसको। अब आप देखें इस तरह से कि कैपिटल डी एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, जो कह लेता है लॉन्गर लेटरल डायमेंशन, यानी कि दीर्घ पार्श्विक माप। अब ये क्या होता है, स्क्वायर कॉलम में तो जो लीस्ट लेटरल है वो लॉन्गर भी है, क्योंकि सभी साइड बराबर होती है, तो लीस्ट लेटरल और लॉन्गर लेटरल दोनों सेम ही होते हैं स्क्वायर की, स्क्वायर कॉलम की साइड। रेक्टेंगुलर कॉलम में जो बड़ी भुजा होती है वो लॉन्गर लेटरल डायमेंशन होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक रेक्टेंगुलर कॉलम जो है वो 3 मीटर बाई 2 मीटर साइड का है, साइज का है, 3 मीटर बाई 2 मीटर, जो 3 मीटर हो गया वो तो कैपिटल डी हो गया, 2 मीटर है वो स्मॉल बी हो गया। और सर्कुलर कॉलम है तो उसके अंदर लीस्ट भी वही है और लॉन्गर भी वही है। तो ये आपको मैंने समझाना चाहा कि भाई लीस्ट और लॉन्गर लेटरल डायमेंशन क्या होते हैं। अब देखिएगा इफेक्ट लेंथ, ये जो अपने एक्चुअल लेंथ होती है कॉलम की, जिसे कहते हैं ना अनसपोर्टेड लेंथ, मैंने याद की जब कहा था आपको थोड़ी देर पहले, अनसपोर्टेड लेंथ स्मॉल एल, इसके बीच में और ये जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है इनके बीच में क्या संबंध होता है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। इसके लिए आप देखें, ये कभी कभी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान होना चाहिए। ये पेज 42 क्लॉज 25.3, पेज 42 क्लॉज 25.3। तो ये अगर आप देखेंगे क्लॉज है इसका 25.3, ये देखिएगा, स्लेंडरनेस लिमिट्स फॉर कॉलम्स, द अनसपोर्टेड लेंथ यानी कि एक्चुअल लेंथ बिटवीन एंड रेस्टेंट्स शेल नॉट एक्सीड 60 times द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ ए कॉलम। यानी जो एल है, ये देखिए मैंने ये लिख दिया है, एल शुड नॉट बी मोर देन 60 into b। ये किन केसेस के लिए है, केस 1, 2, 3, ये जो 4 केस बताए मैंने आपको, ये वाले ये 4 केस, इसमें जो 3 केसेस हैं बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स और एक एंड फिक्स और एक एंड हिंज, उसके लिए है। लेकिन चौथे केस के लिए इसने क्या कहा है, जरा देखो ध्यान से, इफ इन एनी गिवन प्लेन वन एंड ऑफ ए कॉलम इज अनरेस्ट्रेंड, यानी कॉलम का एक एंड जो है वो अनरेस्ट्रेंड है, कहीं से भी बाधित नहीं है, ना तो पोजिशन से ना डायरेक्शन से, इसका मतलब वो फ्री एंड है, एट इट्स अनसपोर्टेड लेंथ शेल नॉट एक्सीड, यानी उस केस में जो ये एल है वो 100 b² / d से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 100 b² / d से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर रेक्टेंगुलर केस है तो b का मतलब छोटी साइड, d का मतलब बड़ी साइड, जो आपको समझा चुका हूँ। अगर स्क्वायर कॉलम, अगर स्क्वायर कॉलम है तो b भी वही है, d भी वही है, और अगर मान लीजिए सर्कुलर कॉलम है तो उस केस में भी बी और डी सेम है। हाँ, रेक्टेंगुलर केस के अंदर बी का मतलब छोटी भुजा, डी का मतलब बड़ी भुजा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कभी कभार आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में हर चीज़ को लेने की कोशिश की है आपकी वीडियोज़ के लिए। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि भाई लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में क्या फ़र्क है, तो ये मैंने उसका उत्तर देने की कोशिश की है। देखिए, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लॉन्गर लेटरल डायमेंशन और इफेक्टिव लेंथ अपॉन शॉर्टर लेटरल डायमेंशन यानी कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये जो दोनों रेशियो हैं, जब ये दोनों ही रेशियो 12 से कम हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही रेशियो 12 से कम हैं, तो हम कहेंगे शॉर्ट कॉलम है, ठीक है ना। जब दो, वैसे बता दूँ आपको, जब ये एल ई अपॉन बी 12 से कम होगा, तो ये तो 12 से कम होगा ही होगा, यदि तो ज़्यादा होता, लेकिन लिखने में दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। ये आपको पेज 41 पे क्लॉज 25.1.2 पे मिलेगा। और लॉन्ग कॉलम किसे कहते हैं, जब ये जो दोनों ही हैं, कौन कौन से, एल ई अपॉन डी और एल ई अपॉन बी, जब ये दोनों ही 12 या 12 से
ज़्यादा हों, बस। अगर 12 भी हो गए तब भी लॉन्ग कॉलम कहलाएगा, 12 से ज़्यादा तो लॉन्ग कॉलम है ही। तो देखिएगा पेज 41 25.1.2 पेज 41 देखिएगा पेज 41 ये देखिए पहले तो पेज 41 और ये 25.1.2 ये 25.1.2 शॉर्ट एंड सिलेंडर, सिलेंडर मतलब लॉन्ग। ए कंप्रेसर मेंबर मे बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट व्हेन बोथ द सिलेंडर रेशियो एल अपॉन डी एंड एल अपॉन वी आर लेस देन 12, बस। और उसके बाद देखिएगा बस अगर वो लेस देन है तो शॉर्ट है, अदरवाइज लॉन्ग है, दैट्स ऑल। अब जो इसका अगला जो पॉइंट मैंने लिया है वो है लॉन्जिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट। देखिए जो कॉलम होता है, हम अभी शॉर्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, शॉर्ट कॉलम में तीन तरह के सेक्शंस होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर। उसमें जो कॉलम की ऊंचाई होती है यानी जो उसकी लेंथ होती है कॉलम की, उसके पैरेलल हम लोहे के सरिये लगाते हैं, जिसे कहते हैं अपन मेन रीइंफोर्सिंग बार्स या मेन रीइंफोर्समेंट। हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसे देखिएगा कि अगर ये मैं आपसे कहूँ कि ये एक कॉलम है रेक्टेंगुलर, हमने एक सरिया यहाँ लगाया, 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 एक सरिया, छह सरिया लगा दिए हमने मान लीजिए। तो ये जो दिख रहा है आपको क्रॉस सेक्शन, ये सरिया का क्रॉस सेक्शन है, ये एक्चुअली कॉलम का प्लान है ये। अगर मैं इसका बनाऊँ एलिवेशन तो कुछ ऐसा बनेगा, बीच में इसको कट लगा देते हैं ताकि ये पता है कितना बड़ा है ये। अब अगर मैं यहाँ से एक सेक्शन काटूं तो ये कैसा दिखेगा, ये जो कट गया ना तो आपको पूरा सरिया दिखेगा कंप्लीट यहाँ पे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ भी दिखेगा आपको ये। तो ये सेक्शनल एलिवेशन है, इस सेक्शन पर एलिवेशन है ये। अगर मैं सेक्शन नहीं काटता तो फिर मुझे लाइन डॉटेड दिखानी पड़ती, लेकिन सेक्शन मैंने यहाँ काटा है, काट के अलग कर दिया पोर्शन, तो आपको ऐसा बाकायदा है दिखेगा ये। तो ये लोहे के सरिये हैं, ये जो बार लगी है ऐसे खड़ी इस प्रकार की यूँ कॉलम के अंदर, उसे अपन कहते हैं मेन रीइंफोर्सिंग बार्स। अब हम इसी की चर्चा करेंगे कि मेन रीइंफोर्सिंग बार जो होती है उसके अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखनी हैं। तो सबसे पहली बात जो है मेन रीइंफोर्सिंग बार्स के अंदर, वो कितना स्टील लगाना चाहिए कॉलम के अंदर, उसकी बात हो रही है। यानी जो इसका जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉलम का, ग्रॉस का मतलब जैसे आयताकार कॉलम है तो उसके अंदर बी इंटू डी, सर्कुलर कॉलम है तो पाई बाई फोर इंटू डायमीटर स्क्वायर, स्क्वायर कॉलम है तो साइड स्क्वायर, ये होता है ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसका कितना परसेंट आपको लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट लगाना है, इसकी बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है किसी कॉलम के लिए, वो उसके ग्रॉस एरिया के 0.8% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट लेस देन। देखिए ना ये पहले सिंपल किसके लेस देन का, इसको काट दिया मतलब कि नॉट लेस देन 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। इसको अपन एसी भी कहते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। और साथ ही साथ ये जो है किसी भी हालत में 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रॉस एरिया का ये। और ये आपको दे रखा पेज 48 पर, क्रॉस 26531 और साथ में ए पेज 48 पेज 48 26531 ए। देखिएगा पहले तो ये पेज 48 और ये 26531
और ए। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट शैल बी नॉट लेस देन 0.8% नॉर मोर देन 6% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एरिया का उल्लेख करते हैं, साथ में ये अगर लिख दें पेज 48 तो क्या दिक्कत है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप याद करेंगे पेज नंबर, इसका तरीका भी आपको मैं अगले कुछ वीडियो में बताऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद आता है डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रीइन्फोर्सिंग बार। ये जो हमने मेन रीइन्फोर्समेंट लगा, ऐसा ये जो मेन रीइन्फोर्समेंट है इसको लॉन्जिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट भी कहते हैं। इसका जो बार का डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, तो ये सिंपल सी बात है कि 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादा तो आप नॉर्मली ले जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि 25 mm से ज़्यादा ना लिया जाए। ज़्यादा के लिए उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन नॉर्मली 25 mm से ज़्यादा रखते नहीं हैं नॉर्मली, तो 12 से कम तो कभी होना ही नहीं चाहिए। ये भी आपको लिखा हुआ है पेज 48 26531 D पे। पेज 48 है वही सेम पेज 26531 D पे। देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ ये नहीं डी डी सॉरी हाँ द बार्स शैल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। आप लिखा हुआ है ना। अब अगला पॉइंट है नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रीइन्फोर्सिंग बार्स, यानी जो मेन रीइन्फोर्समेंट है उसमें जो कितने बार्स लगाएंगे, नंबर क्या है। तो आप ध्यान देना, अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम है तो 4 से कम नहीं हो सकती है, और सर्कुलर कॉलम में तो कम से कम 6 तो लगानी पड़ेगी, 6 से कम तो आप लगा ही नहीं सकते। तो उसके हिसाब से आपको, अच्छा ज़्यादा भी अभी फिलहाल नहीं कह रहे हम आपसे, ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं हम, कम से कम बात कर रहे हैं। अगर आयताकार या वर्गाकार यानी कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है तो कम से कम 4 सरी आपको लगाने पड़ेंगे, और सर्कुलर है तो 6, इससे कम नहीं लगाने। अभी कितने लगाने मिनिमम उसकी बात चल रही है, मैक्सिमम की बात नहीं चल रही, वो डिपेंड करता है कि लोड के तो बाद की बात है। इससे कम तो आपको लगाने ही नहीं, चाहे कितना भी कम लोड हो, ये तो मिनिमम है। यानी मिनिमम क्या हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए, 4 से कम नहीं होंगे, और डायमीटर 12 से कम नहीं होगा, सर्कुलर में डायमीटर 12 से कम नहीं होगा, और संख्या 6 से कम नहीं होगी, ये मतलब हो गया। ये आपको पेज 48 पर मिलेगा, वही 26531 सी में, वही पेज सेम ये सी में देखेगा। द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन ए कॉलम शैल बी 4 इन रेक्टेंगुलर कॉलम एंड 6 इन सर्कुलर कॉलम। साफ साफ लिखा हुआ, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक बात और आती है चौथी, कि भाई स्पेसिंग जो होती है लॉन्जिट्यूडनल बार्स की अलोंग द पेरिफेरी वो कितनी होनी चाहिए। देखिएगा ये एक मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉलम का मैंने प्लान बनाया, मान लीजिए यहाँ पे 4 सरे लगे हुए हैं, यहाँ भी 4 लगे हुए हैं, कुल मिला के 12 सरे लगे हैं मान लो। अब हम इसकी जो पेरिफेरी है यानी इसकी जो परिमाप है, परिधि के, परिधि नहीं कहते, परिधि तो वृत्त के अंदर आता है, इसको कहते हैं पेरिफेरी परिमाप। ऐसे मूव करते हैं यूँ ऐसे ऐसे इस प्रकार से अलोंग द पेरिफेरी इस यू चलता है, तो दो सरियों के बीच के जो क्लियर डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। जैसे ये सरिया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ना, ये पेरिफेरी पे नहीं आ रहा, पेरिफेरी पे तो ये जो बार बार के आ रहे हैं, जो बार के सरिये हैं, चौकीदार मान रहे इनको आप, ये चौकीदार है, ये अंदर रह के इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बार की बात कर रहे हैं अलोंग द पेरिफेरी। तो ये जो दो लगातार सरिये हैं इनके बीच का जो क्लियर गैप है ये वाला ये जो दूरी है ये, इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये रूल है। कम की बात नहीं कर रहे हम, कम की बात कभी मौका पड़े तब करेंगे, अभी हम कह रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने निकाला और 300 mm से ज़्यादा आ गया तो आपको सरिया एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा, लेकिन 300 से कम आ गया तो कोई बात नहीं, ओके हो जाएगा। इसका बोले ये भी ये भी ये भी ये भी ये ये ये
ये और ये, मैं सेंटर टू सेंटर बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्लियर डिस्टेंस, यानी कि क्लियर का मतलब होता है जैसे एक सरिया है, एक सरिया है। मैं कहता सेंटर टू सेंटर तो ये यहाँ से यहाँ तक होता, ये तो कह रहा था सेंटर टू सेंटर। अभी बात हो रही है क्लियर, क्लियर मतलब ये जो किनारी है और ये किनारी है, ये कहलाती है क्लियर डिस्टेंस। इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, हम ये बात कहना चाह रहे हैं आपसे। तो इसके लिए भी लिखा स्पेसिंग क्लियर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार्स अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम। अच्छा, अगर सर्कल की बात करें, सर्कुलर की, उसमें भी सेम ध्यान रखने की बात है। जैसे सर्कुलर कॉलम है, यहाँ आप इस प्रकार से मान लीजिए सरिया लगा रखें, और ये इसकी सेंटर लाइन जो इसके सेंटर है ना, उनसे कॉलम के जो ये जो सरिया के जो सेंटर से उनसे निकलता हुआ सर्कल है। और अब ये क्लियर डिस्टेंस ये होगी, ये कह दो, ये कह दो सेंटर टू सेंटर नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कह दो ये वाली, इस तरह से जितने डिस्टेंस कह रही है, ये सारी कहलाती है क्लियर स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्सिंग बार अलोंग द पेरिफेरी। अंदर से लगे उसकी बात नहीं कर रहा, हम बार की बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको मिलेगा पेज 48, 26531G, 26531G, ये देखिएगा वही पेज चल रहा है। स्पेसिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शैल नॉट एक्सीड 300 mm। ये सारे प्रोविजंस आपको मैंने बताए आज इस वीडियो में, इतना ही। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो मैं इसको रोकना चाहूँगा, अगली बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरी जो समझाई बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है, जितने ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करेंगे उनको भी लाभ होगा, जैसे आपको हो रहा है। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। एंड इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।